आप अपना तैयारी करो, लेके चलता हूँ तुम्हें। सबली बोल रही थी ना, ले चलो चल के दिखा दो। अरे अब हमें थोड़ी पता था यार, उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। और यार आज सुबह सुबह यार एक बैड न्यूज़ आया कि तन्नू की दादी एक्सपायर हो चुकी है। सो वैसे नीचे तो काफ़ी वो रो रही है अभी, तो अभी मैं छत पे आया हुआ हूँ। और मैं सोचा कि यार जब सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर होता ही है, तो एक छोटा सा जो दुख की घड़ी है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ मैं। और काफ़ी रो रही है यार, वो नहीं रहा जा रहा था मुझसे, तो मैं सोचा कि चलो एक बार ऊपर जाके एक बार अपनी छोटी सी वीडियो शूट कर लूँ, और ताकि वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूँ कि जब हंसी के पल होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ, ये दुख के कुछ पल है जो आप लोगों के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। और नीचे सदमा भी काफ़ी रो रही है, अब देखते हैं यार इसको गांव भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और ना अभी हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो अभी देखते हैं यार, क्योंकि काफ़ी मैनेज करना पड़ेगा। बिहार जाना है क्योंकि आज के टाइम भाई बिहार की तो कभी भी ट्रेन खाली मिलती ही नहीं है कभी भी, तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। और अभी तन्नू के सामने तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ यार, क्योंकि अभी बहुत रो रही है, नीचे काफ़ी साउंड आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक बार ऊपर जाके एक छोटी सी वीडियोस बना लूँ। यार अपने माँ बाप का ख्याल रखो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जाता है ना वो दोबारा वापस लौट के नहीं आता है, और इस चीज़ की कदर हमें हमेशा खोने के बाद ही होती है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। सो गाइस, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, कभी भी उनसे अलग मत रहो, हमेशा उनकी इज्जत करो यार, ताकि उनके जाने के बाद हमें अफसोस ना हो। मुझे बस दुख इस बात का लग रहा है कि तन्नू मेरे से कह रही थी कुछ दिन पहले कि दादी बुला रही है, चलो आपको देखना है, आपको देखने के लिए दादी बुला रही है। बट मैंने बोला यार अभी गर्मी है तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि जब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी तब चलेंगे। उस समय मेरी सबसे बड़ी भूल थी यार कि मैं काम के चक्कर में मैं गया नहीं। बट गाइस, कभी भी ना घर वाले ही काम आते हैं, तो ऑफिस के काम को एक अलग प्रायोरिटी दो और घर के काम को एक अलग प्रायोरिटी दो। घर वालों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, बस मुझे यही दुख लग रहा है कि अगर मैं चला जाता तो मैं मिल लेता, बट वो छोटी सी मेरी गलती की वजह से ना आज मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद अब क्या बताऊँ यार, ये बार बार कह रही है, मैं आपसे बोल रही थी कि आप मुझे लेके चलो, मैं नहीं गया, गलती है जो मैंने गलती की है, प्लीज़ आप लोग मत करना। आप लोग हमेशा घर वालों के साथ रहो, मैं भी घर वालों के साथ ही रहता हूँ यार, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते मैनेज। तो गाइस, घर वाले सबसे पहले हैं, वही सबसे पहले ही आपके साथ खड़े रहते हैं और कोई खड़ा नहीं रहता। तो देखता हूँ यार, क्योंकि बच्चा छोटा है और ट्रेन में अभी पैसेंजर कैसे जा रही होगी आप लोगों को बढ़िया से पता है कि बिल्कुल ठूसम ठूस जाती है। बिहार और यूपी की ट्रेन तो कभी ज़िंदगी में खाली नहीं जा सकती है, चाहे मौत आ जाए कभी भी खाली नहीं जाती। तो अभी जाता हूँ और देखता हूँ, मैनेज करता हूँ कि कैसे उनको भेजना है, कैसे जाना है, और पापा से डिस्कस करके देखता हूँ यार कैसे मैनेज होगा। अरे रोते नहीं है यार, मत रो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्या हो गया यार, चलो छोड़ो ना, अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या करोगे, किसी के हाथ में थोड़ी है ये सब। तन्नू तन्नू, कोई बात नहीं, छोड़ो। सबली बोल रही थी ना, ले चलो चल के दिखा दो। अरे अब हमें थोड़ी पता था यार, उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं यार, जाने वाले को कौन रोकेगा, अब तो जो जरूरी है अब उसको देखते हैं। तुम्हारा टिकट कराता हूँ फिर चलते हैं। रो मत यार, रो मत पागल, रो मत चलते हैं अभी, ठीक है, रो मत।
चलो चलते हैं, तैयारी कर लो। तैयारी कर लो, कोई बात नहीं, चलते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी यार, ऐसे तो कोई बात था ही नहीं, हॉस्पिटल से भी वो आ चुकी थी। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। आप अपना तैयारी करो, लेके चलता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, रो मत, चलो चलते हैं। आप तैयारी करो, तैयारी करो, कोई बात नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तैयारी करो, तैयारी करो, मैं पापा से बात करता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है, और देखते हैं जब जाएगी है तो बाकी दिखाएंगे फिर बाद में आप लोगों को। तो प्लीज़ यार, आप अपने घर वालों के साथ रहो, ताकि आप लोग को कभी भी अफसोस करने का मौका ना मिले। चलते एक बार तनु से देखते हैं, क्या अगर बात बात करती है तो ठीक है, तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है उससे बात करना अभी, क्योंकि काफ़ी वो रो रही है। सो गाइस, ध्यान रखो अपना।